हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि ठंड का मौसम है और साथ ही साथ अब गरम गरम वड़ा पाव मिल जाए उसमें तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे चलिए आज हम बनाते हैं वड़ा पाव। उसके लिए हमने यहाँ पे पैन लिया है। पैन में हम नॉर्मल कोई भी रिफाइंड ऑयल जो आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर बनाते हैं वड़ा, जिसके लिए सिंपली हमें उबले हुए आलू चाहिए, 7 से 8 आलू। अगर आप 4 लोगों की फैमिली है तो 7 से 8 आलू इट्स इनफ, क्योंकि आप वड़ा पाव खा रहे हैं तो एक थोड़ी ना खाएंगे, दो दो तो खाना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, जीरे के साथ राई लिया है तड़के के लिए। अब मैं जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा मैं इसमें जीरा और राई डालूंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने करी लीव्स ली है, मेरे पास फ्रेश नहीं थी तो मैंने यहाँ पे सुखा के कुछ करी लीव्स रखी हुई थी तो मैंने वहाँ पे वो डाल दी हैं। साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था जो कि मैं यहाँ पे तड़के में यूज़ करूँगी। तो देख सकते हैं मैंने वो यहाँ पे यूज़ किया है। और साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज धनिया भी रखा है इसका मसाला बनाने के लिए। इस मसाले को अच्छे तरीके से भुनने देंगे ताकि इसमें जो लहसुन है अदरक है वो अच्छे तरीके से पच जाए, उसका एरोमा जो है वो अच्छे तरीके से निखर के बाहर आए। फिर यहाँ पे हमने जो प्याज कट किए थे वो हमने यहाँ पे डाल लिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसको हम पूरी तरीके से नहीं पकाएंगे क्योंकि जो वड़ा होता है उसमें जो अनियन होता है वो थोड़ा सा उसमें अगर क्रंच आए तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि हम इसको बाद में हम डीप फ्राई भी करेंगे तो उसमें फिर वो अनियन ज़्यादा पक जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हम इसको 50-60% वीकेंड से कि हम उसको पकाएंगे। फिर यहाँ पे हमने नमक और हल्दी भी ली है, ताकि हल्दी हम यहाँ पे पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि हल्दी जो है वो पक जाए मसाले के साथ हमारे, क्योंकि बाद में कई बार ऐसा होता है कि जब आप आलू के साथ डालते हैं हल्दी को बाद में एंड में तो वो कच्ची रह जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो खुशबू है या खाने में जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। अब मैंने यहाँ पे जब मेरा मसाला प्याज जो था वो 50-60% जो था वो पक गया तो मैंने यहाँ पे जो आलू थे उसको मैंने मैश करके यहाँ पे डाला है ताकि मैं उसका अच्छे तरीके से एक पेस्ट नहीं बोल सकते इसको, हम अच्छी तरीके से आलू की सब्ज़ी बोल सकते हैं कि जैसे हम इंडियन वे में आलू की सब्ज़ी बनाते हैं घर में पूड़ी के साथ खाने के लिए, तो हम वैसे तरीके से इसे बनाएंगे। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और साथ ही साथ इसमें एक ध्यान रखिएगा कि आलू के मोटे टुकड़े ना हों, क्योंकि कैसा होता है कि वो जब हमारे वड़े में आता है वड़ा पाव में तो अच्छा नहीं लगता। तो ट्राई कीजिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम मैश पोटैटोज़ होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एंड में धनिया से गार्निश कर दिया है। अब हमारा जो आलू का जो मिक्सचर है जिससे हमें वड़ा बनाना है वो हमारा रेडी हो चुका है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वड़ा पाव में क्या होती है, वो जो सूखी चटनी मिलती है उसके साथ। तो सूखी चटनी को बनाने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे ज़्यादा तीखी नहीं बनाई है क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा तीखा लोग खाते नहीं हैं, तो मैंने सिंपली यहाँ पे मूंगफली के दाने और एक गांठ ले सकते हैं आप लहसुन की, और साथ ही साथ 4 से 5 मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची जो होती है सूखी हुई वो आपको कहीं पे भी घर में मिल जाएगी, दुकान पे कहीं पे भी, तो वो ले लिए। तो यहाँ पे मैंने तवे के ऊपर उसको भूनना चालू किया। ध्यान रखिए यहाँ पे जलना नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से बस भुन जाना चाहिए कि उसकी खुशबू आने लगे आपको। जैसे आपको खुशबू आने लगेगी तो आप गैस बंद कर सकते हैं और आपका जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया। साथ ही साथ अगर आपके पास नारियल है, घिसा हुआ नारियल या फिर फ्रेश नारियल, मतलब जो सूखा हुआ नारियल होता है आपको उसको घिस भी सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट था तो मैंने वो मार्केट से मंगाया था तो वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तब तक ये पकता है तब तक हम यहाँ पे अपना जो जिसके अंदर हम वड़ा को कोट करने वाले हैं हम वो यहाँ पे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है, मैदे के अंदर मैंने हल्दी डाली है, नमक डाला है, और अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे एक उसको अलग कलर भी आ जाता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैंने वो मिक्सर के अंदर पानी मिक्स किया है, और बैटर जो होता है वो ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, एक मॉडरेट उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि जो हम वड़े बना रहे हैं वो स्प्लिट ना हो तेल के अंदर जा कर के।
तो इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने मैंने यहाँ पे जो बेसन है वो थोड़ा सा जो मोटा बेसन आता है मैं वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका क्या होता है कि वो फूलता अच्छे से है, वो कोट अच्छे से होता है जिस चीज़ के भी, जैसे पकौड़े बनाए कभी या कुछ बनाए तो वो कोट अच्छी तरीके से होता है, चिपकता अच्छे तरीके से है। तो देखिए मेरा बैटर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ना मोटा है ना पतला है, एक अच्छी कंसिस्टेंसी में बन गया है। आप देख सकते, आप यहाँ पे जो है मेरा जो जो मैंने मसाला चटनी के लिए रखा था वो यहाँ पे पक चुका है। अब उसको मैंने मिक्सर पे डाल लिया, मैंने डेसिकेटेड कोकोनट जो बोला था, अब मैंने जब गैस बंद कर दी तो तवा ऑलमोस्ट गर्म ही था, तो मैंने उसके ऊपर डाल दिया ताकि जले ना, क्योंकि ये बहुत बारीक होता है तो इसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बंद गैस पे ही अगर आप जो थोड़ा सा गरम तवा है तो आप उसके ऊपर इसको भून सकते हैं। ये आई थिंक विद इन अ सेकेंड, लाइक 5-10 सेकेंड 20 सेकेंड्स में ये ऑलमोस्ट हो जाता है, इसको इतना टाइम नहीं लगता। इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो ये जल जाएगा। तो उसको भी हम साथ में जो हमने मिक्सर रखा, जो हमारा लहसुन लाल मिर्च और मूंगफली का मिक्सर था, उसमें हमने ये डेसिकेटेड कोकोनट जो था वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे नमक और साथ ही साथ हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इसके अंदर थोड़ा सा लाल कलर आ जाए। अब बाहर जो चटनी मिलती है उसके अंदर लाल मिर्च बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो जो कि हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं होती है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर कम लाल मिर्च, तो इसको ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए वैसे ही मिक्सचर बन के तैयार हो गया, वैसी चटनी जैसे आपको मार्केट में मिलती है तैयार हो गया। बस ये एक फ़र्क है मार्केट की चटनी और मेरे यहाँ की चटनी में कि ये कम तीखी है, उसमें लाल मिर्च कम यूज़ किया गया है रेदर देन शॉप वाली चटनी। फिर अब हम बनाएंगे, यहाँ पे रेडी करेंगे हम अपने वड़ा। तो वड़ा रेडी करने के लिए हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हमने तेल डाल दिया है इसको फ्राई करने के लिए। ये हमने वड़ा पहले से ही उसके गोल 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 राउंड करके एक बॉल बना लिया है ताकि हमें बाद में वो तरीके से सेट हो जाए, क्योंकि आप उसी टाइम उसको निकाल के बॉल बना करके और फिर तलेंगे तो कई बार वो स्प्लिट भी हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप उसको पहले से ही शेप दे के रख लें तो वो वो सेट हो जाएगा, तो वो स्प्लिट नहीं होगा। और तेल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, एक परफेक्ट गर्म होना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से जो बाकी के चारों तरफ की जो है वड़े के आसपास का एरिया वो सारी अच्छी तरीके से पक जाए, एक इवनली पके। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि हमारा जो तेल है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हम रेडी करेंगे कि हम अपने वड़े को यहाँ पे तलेंगे। तलने के लिए आप कोई सा भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से अपने वड़ों को फ्राई करना है और किस तरीके से आपको खाना पसंद है फ्राइड चीज़, क्योंकि बहुत ऑयली होता है। तो ये आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो वो थोड़ा सा इसको परहेज कर सकते हैं, बट वो आपके ऊपर है। अदरवाइज़ एक और चीज़ है कि आप इसको नॉर्मल पैन के अंदर कोट करके भी, सौते सौते मतलब थोड़ा सा ऑयल डाल के नॉन स्टिक पैन में भी आप बना सकते हैं इसको, उसमें भी ये अच्छे बन जाते हैं। बट जो स्वाद है वो तो वड़ा जब तक तलता नहीं है, जब तक गरम गरम तेल में, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो मैंने इसको यहाँ पे कोट करके यहाँ पे मैंने वड़ा को फ्राई करने के लिए डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये सीख के तैयार हो चुका है, अब मैं दूसरी तरफ से इसको सेक लूँगी। मैं यहाँ पे अपने पाव, जो पाव थे जो मैं मार्केट से मंगाए थे, अब मुझे यहाँ पे मुंबई वाले पाव तो मिले नहीं, तो अब जैसा जो भी मिला पाव भाजी वाला पाव जो दिल्ली में मिलता है नॉर्थ साइड में, मैंने वही यूज़ किया है। मैंने बहुत ट्राई किया था कि मुझे दुकान किसी दुकान पे तो वो मुंबई का जो वड़ा पाव होता है, पुणे का जो, महाराष्ट्र का जो वड़ा पाव वाला पाव होता है वो मिल जाए, बट वो नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। मैं आपने एक और चीज़ देखी होगी कि मिर्ची बहुत देते हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिर्ची भी फ्राई कर लिया है ताकि वो मुझे एकदम फ्लेवर आए, एकदम लगे कि मैं वहीं बैठ के किसी शॉप में किसी नुक्कड़ की दुकान पे वड़ा पाव खा रही हूँ। तो हमारे वड़ा अब जो है वो तल के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने, अब हम इसको रेडी करेंगे। मैंने दूसरा बैच यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि मेरे मॉम डैड इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए, तो मैं उनको साथ में दूंगी।
अब यहाँ पे हमारी चटनी भी रेडी है, हमारे वड़ा भी रेडी है, हमारे पाव भी, पाव तो ऑलमोस्ट रेडी ही होते हैं, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे हमारा जो पाव है वो भी मैंने कट स्लेट कर लिया है ताकि मैं उसमें अपने वड़ा जो मैंने बनाए हैं उनको रख सकूँ। मिर्ची फ्राई हो चुकी है, हाँ ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका। अब आप देख सकते हैं कि जो वड़ा पाव थे वो बन के रेडी हैं, और आप इनको ग्रीन चटनी, मीठी चटनी, सूखी चटनी, जैसे आपको खाना पसंद हो आप वैसा खाएं और मुझे बताएं, घर पे ट्राई करें, मुझे बताएं कि कैसा बना है, और अपने रिव्यू शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अपना प्यार हम पे बनाए रखें। बाय एवरीवन, थैंक।